बुलेटिन का आगाज करते हैं एहतसाब अदालत में पेशी के साथ। आपको बताएं आसिफ हाशमी के एहतसाब अदालत में पेशी है। आसिफ हाशमी को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। आसिफ हाशमी की पेशी के मौके पर पुलिस अमले की सहाफियों से बदतमीजी भी सामने आई। आसिफ हाशमी का पुलिस वाले पर पैसे लेने का इल्जाम भी सामने आ गया। पुलिस वाले ने मुझसे पैसे मांगे हैं, ऐसा कहना है आसिफ हाशमी का। यासिन नामी कॉन्स्टेबल मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात है। पुलिस कॉन्स्टेबल ने लाहौर रंग के नुमाइंदे को आसिफ हाशमी की फुटेज बनाने से भी जबरदस्ती रोक दिया। आसिफ हाशमी ने लाहौर रंग के नुमाइंदे के हक में आवाज बुलंद की। मीडिया नुमाइंदे को फुटेज बनाने से मत रोको, ऐसा कहना था आसिफ हाशमी का। ये पुलिस वाला कुछ देर पहले मुझसे पैसे भी मांग रहा था, ऐसा भी कहना था आसिफ हाशमी का। हम खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चले। आसिफ हाशमी की एहतसाब अदालत में पेशी हुई है। आसिफ हाशमी को एहतसाब अदालत में आज पेश कर दिया गया। आसिफ हाशमी की पेशी के मौके पर पुलिस अमले की सहाफियों से बदतमीजी भी सामने आ गई। आपको बताएं मेसर्स हाई में 1870 मिलियन के गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट के इल्जाम में आसिफ हाशमी को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर जैनुल आबदीन से। जी जैनुल आबदीन, आसिफ हाशमी को पेश कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आसिफ हाशमी को इंसाफ अदालत में पेश कर दिया गया है। जबकि इंसाफ अदालत में पेशी के मौका पर आसिफ हाशमी से जो है वो पुलिस वाला, क्योंकि हम खुद जो है उनकी फुटेज बना रहे थे, तो उस पुलिस वाले ने जबरदस्ती आके मोबाइल छीन लिया, मोबाइल पकड़ लिया। जबकि उस कांस्टेबल ने जो है वो आसिफ हाशमी से बदतमीजी की और आसिफ हाशमी ने उसको कहा कि तुम इनको मीडिया वालों को अपना काम करने दो और मैं एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ, अगर वो फुटेज बना भी रही है तो तुम कौन होते उनको रोकने वाले। लेकिन पुलिस वाले ने एक ना सुनी और उसके बाद आसिफ हाशमी ने कहा कि इस पुलिस वाले ने मुझसे पैसे मांगे हैं। इस पुलिस वाले का नाम यासर नामी कांस्टेबल है जो कि ड्यूटी पर तैनात है और इसको मैंने पैसे नहीं दिए और इसने मुतअद्दिद दफा जो है वो पैसों की मुझसे इसने मुतालबा किया जबकि मैंने इसको पैसों के मुतालबे से मना किया। तो इसका ये सलूक देखने में आया और जबकि मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जबकि इस पुलिस वाले ने जो है वो खुद मेरे से जो है वो हाथापाई की और इसके बाद हमारे काम में जो सहाफी हमारी रवादारी होती है या हमारे काम होते हैं उसमें इसने रखना डाला और इसने सख्त किस्म की बदतमीजी भी की बाकी मीडिया वालों से। जबकि इस मौके पे तमाम मीडिया वाले मौजूद थे और फिर दूसरी जानब जो ASI हैं उन्होंने भी इसकी बात बच दी और इस पर इजहार भरमी किया कि हम आपसे इसकी माफी मांगते हैं। जबकि मुझसे इनके भौरंग के नुमाइंदे से इसने जो है वो बाद में माफी भी मांगी और उसके बाद जो है वो आसिफ हाशमी को अब ताहाल इंसाफ अदालत में चौधरी मुनीर अहमद जो जज हैं उनके रूबरू पेश कर दिया गया है। जबकि आसिफ हाशमी का जुडिशियल रिमांड मुतवक्का है कि वो दोबारा जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जैनुल आबदीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अच्छा, और बाकी सारे ठीक है? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वगैरह ने बड़ी इज्जत दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये आपके साथ खींचातानी भी कर रहा था? आपके सामने ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम यासिर है? अच्छा, इसने पैसे आपने इसको नहीं दिए उसके बाद इसने ऐसी हरकतों से करना शुरू कर दी? आपके सामने था, आप खड़े, ये नहीं है कि मैं पीछे से।